क्षेत्री एक कमान, सब आदिवासी एक समान, सब आदिवासी एक हाथ हो दिया, ठीक है ना। हाँ, राम मुंडा खड़िया हो, ये संताली उन्ताली करना नहीं है, क्योंकि एक कुर्मी हम लोग के ऊपर भारी पड़ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। और कुर्मी बन गया ना, उसके बाद लाइन में सात आठ और ऐसे समुदाय खड़े हैं जो आदिवासी के हमारे घेरे में घुसना चाहते। ये खुद मेरा देखा हुआ है, जब विधायक थे 2011 की बात है, भटवाल जाति जो है आदिवासी बनने का दावा कर रही थी, हमको ठग के, क्योंकि वो जान गया था शुरू से कि ये सपोर्ट नहीं करेगी, हमको ठग के बिरसा चौक ले जाया गया। मगर हम वहां पर शोध पत्र की बात बोले कि आखिर किन बिंदुओं के चलते आप लोग बाहर हुए, ये विचारणीय विषय है। और इसलिए इसमें राजनीतिक लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, टीआरआई का जो है रिपोर्ट वही सर्वमान्य होगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण लाया गया, प्रदीप यादव के द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया था, उसी उसके बिल्कुल अगले दिन कुछ एक जो हमारे अपने विधानसभा में आदिवासी जो अपने पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा मुझे सूचना मिली, तो हम भी रातों रात जो रामचंद्र उरांव जी बोल रहे थे, रेस ही डिफाइन करता है कि आदिवासी कौन है क्या है, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, द्रविड़ियन रेस और मंगोलॉइड रेस जो है मेन, यही है, चौथा भी कोई है शायद इंडो बर्मन, इंडो बर्मन है। तो ये मेरी जो जानकारी थी उस हिसाब से हम बोले कि और बाकी जितने भी लोग हैं, शायद से बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं बाकी आर्यन हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, और सब ऐसा हम तर्क दिए थे उसमें कि क्योंकि आदिवासी होने के नाते हमको ही पहले बोलने के मिला, और उसके बाद से भटवार का जो विषय है उनकी मांग विधानसभा में आज तक उठ नहीं पाई है, क्योंकि शोध पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टीआरआई पे कि ब्राह्मण से निम्न क्षत्रिय के समकक्ष, कुर्मियों के लिए भी यही है। अभी कोर्टली जो है वो लोग भी इसी बात की कि सदियों से हम रह रहे हैं, हमारी जो है शकल सुंदर परंपरा सुदाना ढिमकाना सब मिल रहा है, मतलब हाँ बिल्कुल मिल रहा है, मगर क्या आज के डेट में तो एक ब्राह्मण भी शायद आदिवासी बनना चाहेगा, जो कश्मीरी में गद्दी ब्राह्मण को रखे थे, क्षत्रिय भी बनना चाहेगा, वैश्य भी और शूद्र भी, वो भी अभी लाइन में है, वो पलामू का भी बोल रहा है, मगर क्या एक आदिवासी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य बन सकता है, कोई जवाब नहीं। तो हम बोले इस तरह की आलतू फालतू बेबुनियादी बातों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। टीआरआई का जो है शोध पत्र क्या बोलता है वो ही सर्वोपरि है, जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी देखेंगे और राष्ट्रपति तक भी वही जाएगा रिकमेंडेशन। मगर अभी जिस तरह का राजनीतिक खेल चल रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ वो भी संभव है, हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, जो जाहिरा तौर पे तो फर्जी ही आदिवासी रहे, अब उन्होंने अपने आप को लिस्ट में डाल के ये बात को प्रमाणित कर दिया कि जो आदिवासी सीट से जीतते आए तो आदिवासी तो नहीं थे, फर्जीवाड़ा उनका बहुत लंबे तक चला जिसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। उन्होंने 10 ऐसे जातियों को जिनकी मांग रही है आदिवासी बनने की उनको डाला, और अभी कुर्मी के बाद 7 से 8 अभी और, यानी 50 हो जाएंगे टोटल। इतनी भयावह स्थिति होगी कि हम लोग सोच नहीं, शायद उसका हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आदिवासी जो नहीं है, जो कल तक हमारे साथ भेदभाव करता रहा, अन्याय आज तक उसका बरकरार है, जमीन संबंधी बहुत सारे छूत छुआछूत वाला भी सिलीगुड़ी में हम लोगों ने देखा है, मुंडा समाज के साथ किया है, प्रमाण है हमारे पास में, तो जो हमें हे दृष्टि से देखते आए आज कैसे वो दावा कर रहे हैं। 1918 का जो ये दिखा रहे हैं गेजेटियर का कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, तो बाद में कहाँ चले गए थे इन लोग, इन्होंने खुद ही अपने आप को अलग किया है,
और आज और ये उसके बाद जो 1996 में जब पेशा का जो प्रारूप तैयार हुआ ना, तो यही शायद तो मैं तो जब इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ में बैठ के, और राम टहल चौधरी जी जिन्होंने 2006 में बूटी मोहर में किनका मूर्ति लगवाया, शिवाजी महाराज का लगवाया, पूर्वज है हमारे, और इस राज्य के बहुत ही कदावर महतो जो नेता रहे हैं टेकलाल महतो जी है ना, उनके सुपुत्र और उनके सारे जो है जात बिरादरी के बहुत लोग श्याम से पटेल दिखाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ क्यों भाई, वो क्या हमारे ये दोनों ही हमारे क्या पूर्वज रहे हैं? नहीं ना, तो जो डीएनए की बात आती है ना, तो ये तो खुद ही अपना इतना ज्यादा चुगली कर चुके हैं कि ये कहीं ठहरेंगे नहीं अगर हम लोग तरीके से मुकाबला करें। तो रही बात राजनीति की, तो आज राजनीति क्या देखता है, संख्या बल, दर्द के साथ साथ संख्या बल जो ये लोग बार बार दिखा रहे हैं। और जाके अभी जो है ये पार्लियामेंट हाउस का जो सत्र शुरू होने से पहले इन्होंने 12 दिसंबर को इन्होंने घेराव किया संसद का। और मार्के की बात ये है, टीएमसी बीजेपी जेएनएम और कांग्रेस के तो दिखे नहीं, बीजेडी के थे, और इस तरह के जो है राजनेता लोग जो है वहां पर उन्होंने उपस्थिति जताई, आज के भी थे, और इन लोगों ने जो है वहां पर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से वो किया। एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल जो है महामहिम राष्ट्रपति से भी जाके मिल लिया, ये सारा इन्होंने ड्रामा खेलबाजी की। और हम लोग क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी रही है कि हम लोग अपने आप को उराव मुंडा खड़िया हो संथाल और खुमाना निमकाना अलग अलग जातियों में बांटते रहते हैं, तो शायद इस बात को हम लोग मिला नहीं पा रहे हैं कि आदिवासी समाज एक है, जो इस तरह के लोग फर्जी लोग घुसेंगे तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए क्या नुकसान होगा। और फिर गांव तक भी ये बातें नहीं जा रही है, जो हमारे किसी भाई ने कहा कि गांव तक ये बात नहीं जा पा रही है। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, संदेश चला गया, कोल्हान भी चला गया, वहां के लोग बहुत जागरूक एकजुट है, उन लोगों ने किया, संथाल में भी हुआ है, मगर उनका समाचार यहाँ तक रांची तक नहीं छपता है। हमारा रांची से तो जरूर है, मगर ये जो बीच में ब्रेक लगा है बहुत जबरदस्त, सितंबर में किया था ना उन्होंने यहाँ पर एक दिवसीय उपवास, और उसके बाद फिर शांति छा गई, तकरीबन कुछ तरीके से नहीं हुआ, इधर उधर से मिला है। तो हम लोगों को ये देखना है कि सिर्फ कुर्मी ही नहीं है, उसके बाद और भी लोग बाढ़ की तरह, कुर्मी को मत देखिए। हाँ, और हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी मान्य जी जो है वो भी उनकी वकालत कर रहे हैं बहुत जोरदार तरीके से, कृष्णा वाडी जी भी कर रहे हैं जो अपने आदिवासी सांसद रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस चीज का विरोध करने के लिए किसी का मुंह नहीं खुलता है, समर्थन के लिए चले जाते हैं हमारे राज्य का, लालच है ऐसे लोगों के ऊपर। समाज के जरिए वो उस जगह पे पहुंचे और समाज के ही प्लेट पर और उसके छाती पर ही लोग लाभ पा रहे हैं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर? हमारे संगठन हमारी जनता की जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को किसी राजनेता का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को खुद लीड करना है, सब नेता है जब यहाँ से वापस जाए तो इसी बात पर दिन रात चर्चा करे, नहीं तो हमारा तो मुंडी कट ही जाएगा। यहाँ पर झारखंड में जो हमारा एक ऐतिहासिक यहाँ की परिपृष्ठभूमि रही है, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की बाहरी अतिक्रमणकारियों को हमने जो सबक सिखाया है, हम उन लोगों की शहादत को याद रखें, उनका कर हटाने का आज वक्त आया है, जो उन्होंने उस समय किया आज हम लोगों को करके दिखाना है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, बताइए।